क्या आपके भी व्हाट्सएप में किसी का भी स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा है आपने व्हाट्सएप को अपडेट किया इसके बाद यहां से सभी के स्टेटस गायब हो गए पहले आपको सभी लोगों के स्टेटस दिखाई देते थे लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे हैं है। या फिर हो सकता है आपको यहां पर सिर्फ दो तीन लोगों के स्टेटस दिखाई दे रहे हैं बाकी किसी का भी स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा है या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका कोई दोस्त है उसका स्टेटस पहले आपको दिखाई देता था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है तो कुल मिलाकर अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रही है कि व्हाट्सअप में आपको दूसरे का स्टेटस नहीं दिख रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं आज मैं आपको हंड्रेड

करना है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर अगर आप डेली व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं तो ठीक है अगर आप नहीं लेते हैं तो किस तरह से लेना है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं सबसे पहले आपको बैकअप टू गूगल ड्राइव इस पर क्लिक करना है और आपको इसे डेली पर सेट करके ओके कर देना है ठीक है इसके बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी गूगल अकाउंट आपको इसे ओपन करना है और आपको यहां पर एक जी अकाउंट सेट कर लेना है जो जी अकाउंट आपके मोबाइल में लॉग है जिसका आई पासवर्ड आपको पता भी है वो वाला जी अकाउंट आपको यहां पर सेट कर देना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी बैकअप यूजिंग सेलुलर अगर आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं तो आपको इस सेटिंग को ऑन रखना है अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो सेटिंग को ऑफ कर देना है इसके बाद यहाँ पर इंक्लूड वीडियोस ये सेटिंग को भी आपको ऑन कर लेना है इतनी सेटिंग आपको करना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप तो आपको बैकअप पर क्लिक करना है बैकअप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा व्हाट्सएप में जितनी भी आपकी चैट्स होंगी फोटोज वीडियोस होंगे उसका एक बैकअप क्रिएट होगा और गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा ये बैकअप हम इसलिए ले रहे हैं कि अभी हम व्हाट्सएप को डिलीट करने वाले हैं जी हां दोस्तों व्हाट्सएप में कई सारे बग्स आ रहे हैं जिस वजह से व्हाट्सएप पर कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है दूसरों का स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा है तो हम अपने व्हाट्सएप का बैकअप लेंगे उसके बाद व्हाट्सएप को डिलीट करेंगे उसके बाद दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो हमारी जितनी भी चैट

डिलीट कर देता हूं व्हाट्सएप को मैंने डिलीट कर दिया ठीक है मेरे फोन से व्हाट्सएप डिलीट हो चुका है यहां पर आप देख लीजिए अब आपको क्या करना है दोबारा से प्ले स्टोर में जाना है और व्हाट्सएप को आपको डाउनलोड कर लेना है यहां पर मैं व्हाट्सएप को दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूं वो व्हाट्सअप डाउनलोड हो चुका है अब यहाँ से व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है यहाँ पर आपको वीडियो को ध्यान से देखना है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है नहीं तो आपकी चैट जो है वो वापस नहीं आएगी इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है यहाँ पर आपको इसे इंग्लिश पर सेट करके नीचे तीर के बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से नंबर को एक बार चेक कर लेना है ओके okay पर क्लिक करना है इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओ आएगा ओ दोस्तों व्हाट्सएप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहां पर अलाउ पर क्लिक करना है अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने आ जाएगी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग बैकअप की यहां पर आपको अपना जो बैकअप है उसे रिस्टोर करना है तो जितनी भी आपकी चैट्स होंगी फोटोज वीडियोस होंगे वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे ठीक है तो यहां आपको नीचे दो सेटिंग मिलेगी आपको गलती से भी यहां पर स्किप पर क्लिक नहीं करना है अगर आप स्किप पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपका व्हाट्सअप का जो डेटा है वो रिस्टोर नहीं होगा वापस नहीं आएगा ठीक है तो आपको यहां पर रिस्टोर पर क्लिक करना है रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों व्हाट्सअप का जितना बैकअप होगा होगा वो डाउनलोड पर ठीक है गूगल ड्राइव से आपके व्हाट्सएप में वापस आ जाएगा अगर आपका ज्यादा डेटा है WhatsApp में तो यहां पर थोड़ा टाइम लग सकता है अगर कम है तो वो फॉरन हो जाएगा ठीक तो है, है तो मेरा ज्यादा नहीं है तो यहां पर कंप्लीट यह हो चुका है अब यहां पर दोस्तों नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है आपकी प्रोफाइल नेम वगैरह ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा नहीं आता है तो आपको ऐड कर देना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारा व्हाट्सअप ओपन हो चुका है जितनी भी चैट्स वगैरह थी हमारी सारी की सारी वापस आ चुकी है यहां पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं सारी की सारी चैट्स वगैरह मेरी वापस आ चुकी है ठीक है अब दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद आप देखेंगे आपको व्हाट्सअप पर दूसरों के स्टेटस दिखना शुरू हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों जो भी दोस्त आपका स्टेटस लगाएगा उसका स्टेटस आपको यहां पर दिखाई देगा क्योंकि हमने व्हाट्सएप को डिलीट करके एक नया वर्जन डाउनलोड किया है तो व्हाट्सअप में जितने भी बग्स थे वो सारे हमारे क्लियर हो गए डिलीट हो गए एक नया वर्जन हमने डाउनलोड किया है अब दोस्तों जो भी बंदा स्टेटस स्टेटस लगाएगा तो उसका मुझे यहाँ पर दिखाई देगा अब दोस्तों यहां पर मैं अपने दूसरे पर स्टेटस लगाता हूं तो आप देखेंगे यहां पर स्टेटस दिखाई दे रहा है तो इस तरह से दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी अब मान लीजिए आपने ये सेटिंग अप्लाई की लेकिन आपको फिर भी स्टेटस दिखाई नहीं दे रहे तो आपको क्या करना है दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने और वीडियोस बना रखी है तो आपको ये वाला वीडियो देख लेना है। ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर यही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में जो जो सेटिंग मैंने बताया है वो सेटिंग को आप अप्लाई कीजिए इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर दूसरों के स्टेटस दिखना शुरू हो जाएंगे अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना